हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अभी शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कुछ शॉपिंग की है अपने ब्राइडल्स के लिए, कुछ अपने अदर मेकअप्स के लिए, एक्सटेंशंस और हेयर एक्सेसरीज वगैरह, और कुछ मेकअप का सामान भी मैंने शॉपिंग किया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं कि मैंने क्या क्या नया लाया है। कम तो ये मेरी बैग है, हेयर एक्सेसरीज और हेयर एक्सटेंशन पैड्स डोनट वगैरह मैं सब इसमें रखती हूँ। तो इस तरह से है ये। तो यहाँ पे मैं अपने पूरे जो एक्स्ट्रा वर्क, जैसे कि ये हेयर एक्सटेंशन हो गया इस तरह का, ये रखती हूँ। ये मैंने नया परचेस किया है, ये देखिए काफ़ी सुंदर कर्ल्स है इसमें। ये वाला भी मैंने नया परचेस किया है, ये भी काफ़ी सुंदर है, एकदम सिल्की स्मूथ है। और ये 2-in-1 है एक्चुअली, और मैं इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए है ना नाइस। इस तरह के बम पैड्स, ये क्रिम्पर है मेरा आइकॉनिक का, ये छोटा वाला क्रिम्पर है जो सामने वाले बालों के लिए हम हेयर स्टाइल के वक्त हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आइकॉनिक का मेरा ये नया क्रिम्पर है, पुराना वाला क्रिम्पर मेरा ख़राब हो चुका था, तो ये मैंने इस बार आइकॉनिक के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पे है मेरा वेका का ये पंपिंग, ये हेयर स्प्रे, कॉम्ब्स वगैरह, तो ये पूरे इसमें इस तरह से फिट हो जाते हैं। अब हम ओपन करेंगे ये वाला पोर्शन। यहाँ पे इस जिप में मैं रखती हूँ बम्पेट्स एंड डोनट्स, बड़े वाले छोटे वाले हर साइज के। तो ये हो गया बम्पेट एंड डोनट का सेक्शन। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, यहाँ पे मैं अपनी सारी एसेसरीज रखती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एवरी ईयर तो बहुत लोगों ने देखे होंगे, ये तो चाहिए ही है, चाहिए शादियों में। तो ये वाइट फ्लावर्स, ये रेड एंड वाइट, ये पिंक गोल्डन, रानी गोल्डन, और ये मल्टी कलर वाला देखिए नया आया है और ये काफ़ी सुंदर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए काफ़ी सुंदर है ना, सारे कलर्स है इसमें, मल्टी कलर्स। एंड थोड़ा हम जगह करेंगे दिखाने के लिए, तो ओके ये पिंक, ये जूड़ा है, ये भी अच्छा है। ये देखिए ये ग्रीन वाला प्लेन गजरा, ये मैं सारे आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अभी शादियों के सीजन के लिए कुछ आइडिया आ जाए किस तरह के ब्रोचेस फ्लावर्स आप लेने वाले हो। काफ़ी सुंदर सुंदर है, मार्केट में भी काफ़ी वैरायटीज आई हुई है। ये सारा जो मैंने परचेस किया है वो सब कुछ मैंने डिम्पल शॉप से परचेस किया है हुबली में, जिस शॉप का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये जुड़े के लिए है, चेक करके रख दीजिए। ये गोल्डन वाला है ब्रोच, ये देखिए, ये स्टोन एंड पर्ल्स का है, ये भी काफ़ी सुंदर है, इसको मैं भी ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी फिनिशिंग आप देख पाएंगे। वाओ ब्यूटीफुल, सी कितना सुंदर ब्रोच है ये। एंड एक नया जुड़ा ये छोटी आई है जो मुझे स्पेशली आपको दिखानी है, ये देखिए ये बिल्कुल असली फ्लावर जैसी लगती है, ये देखिए ये मल्टी कलर वाली है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं है इसमें, तो ये जूड़े में बहुत अच्छे लगते बालों में। ये देखिए मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसलिए मैंने इस साल ली है, मेरी एक ब्राइड की एक्चुअली डिमांड भी है इस चोटी की, इसलिए मैंने ये चोटी परचेस की है। और ये कुछ फ्लावर्स है, ये भी काफ़ी सुंदर है। वाइट, एक्चुअली वाइट फ्लावर्स जो है मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, जब आप हेयर स्टाइल्स करते हो तो लाइट कलर के फ्लावर्स ज़्यादा खुल के दिखते हैं आपके बालों में, ना कि डार्क कलर। अच्छे अच्छे फ्लावर्स और कुछ स्टोन के फ्लावर्स भी है। तो सामान पूरा मैंने सेट कर दिया है,
अब हम इसे पैक कर देंगे एंड बढ़ेंगे मेकअप के सामान की तरफ। ये प्रोफेशनल ब्रशेस सेट है, ये सारी मुझे यूज होती है मेकअप के टाइम पे ब्रशेस। तो ये मेरा ब्रश का सेट हो चुका। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का, ये मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा ही होगा, ये जो मेनली मुझे ब्राइडल्स को लगते हैं वही रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आई शेडोज भी नहीं रखती। ये मेरा हाइलाइटर है, ये ग्लिटर आई शेडोज है। मेरा पुराना वाला किट खत्म हुआ था ग्लिटर आई शेडोज का, तो मैंने अभी नया परचेस किया है। ये क्लैम 21 का है, काफ़ी सुंदर कलर है। ये एक छोटा वाला मेरा आई शेडो पैलेट है जिसमें मैट फिनिशिंग के पूरे कलर्स है। मिस रोज का है, ये सारे कलर जो है वो ब्राइडल को यूज होने वाले कलर्स है, नॉट इवन ब्राइडल, गेस्ट मेकअप के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। डबल वाला ये लैक्मे आइकॉनिक का नया काजल है, इंस्टा कूल काजल, तो ये नया है लैक्मे का काजल। टू शेड्स ऑफ ब्लश, ये विथ हाइलाइटर है इन द मेटालिक ग्लिटर आई शेडोज के लिए। HD कंसीलर्स, ये पिंक लैक्मे का पिंक लिपस्टिक है, इसकी शेड नंबर 23 पिंक, ये देखिए। एंड एक रेड है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली जो आज मैंने अप्लाई की है, यही वाली शेड है वो 02 रेड वेलवेट। एक मेकअप में आपको दिखाया था ग्रीन आईलाइनर एंड ब्लू आईलाइनर, उसी टाइप का है, बट इसमें थोड़ा सा ग्लिटर है और ब्लू वाला एक लिया है, ये देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर है। सी द फिनिशिंग, ये आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा। तो ये मेकअप फिक्सर, ये आई लैशेस ग्लू, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो ब्यूटी ब्लेंडर हैं जो आई मेकअप के वक्त हमें बहुत यूज़ होते हैं, ये मुझे पैकेजिंग इसकी इतनी प्यारी लगी, ये देखिए। और ब्यूटी ब्लेंडर्स है, क्योंकि कितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स को कमी पड़ते हैं सीज़न में, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी मेकअप की, तो ये मैं इसमें सजा के रखती हूँ, सजाने के बाद दिखाती हूँ कैसे दिखता है। तो कुछ इस तरह से मैं अपना मेकअप किट रेडी करती हूँ। यहाँ पे मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो 6, 7 मेरे आई शेडो पैलेट है मैं वो यहाँ रखती हूँ। ये मेकअप फिक्सर, ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स, अंदर एक मेरा फाउंडेशन है FC का जो मैंने दिखाया था, तो ये मैं यहाँ रखती हूँ। लूज पाउडर, ये लूज पाउडर है वो यहाँ, ग्लू एंड कॉम्पैक्ट मैं नीचे रखती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पूरा मेरा फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर रहता है। ये पूरा लिपस्टिक सेक्शन है, यहाँ पे लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स सभी रहते हैं। ये पूरा आईलाइनर का, आई शेडोज, सॉरी आईलाइनर, काजल एंड फेक आईलैशेस, ये पूरा उसका सेक्शन है। मस्करा वगैरह पूरा मैं इसमें रखती हूँ। यहाँ पे मेरे ब्लश है, ये मेरा जेल आईलाइनर है, ये मेरा फाउंडेशन का जो ब्रश होता है वो है फाउंडेशन ब्लेंड करने वाला, ये मैं मेरे ब्रशेस के किट में नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे अलग से मैंने लिया था, तो ये मैं अलग रखती हूँ। और ये पूरा पैक होने के बाद ये जो मेरा ब्रश का पूरा सेट है वो मैं इसमें इस तरह से रख देती हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर, कुछ बिंदीज वगैरह, ये हमारा जो फाउंडेशन मिक्स करने के लिए प्लेट, एंड ये अभी क्लोज हो जाएगा एंड वी आर रेडी फॉर मेकअप। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।